हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1.2 डिक विटिंगटन एंड हिज कैट के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो आज की इस चैप्टर में मैं आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स हमारा ए, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। तो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन सारे वर्ड्स को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस के ऑर्डर के हिसाब से, ए बी सी डी के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, राइट। तो देखो, फर्स्ट इधर देखो कि कौन से वर्ड दिए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। शिप दिया गया है, स्मॉल दिया गया है, सक्सेसफुल दिया गया है, स्कोल्डिंग दिया गया है, स्टोन दिया गया है, सेविंग दिया गया है, संबंध दिया गया है, स्टूड दिया गया है, स्ट्रीट्स दिया गया है, स्टिल दिया गया है, स्क्रेम्ड दिया गया है, एस ई टी सैट होगा ये वाला वर्ड, एस ओ टी सॉर्ट नहीं सैट, ओके, वो ओ टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो सैट है, सिम्ड है, संत है, शेर है। तो इनको आपको अरेंज जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसा रहेगा। मैंने आंसर भी दे दिया है, संत ये सैट है, सेविंग स्कोल्डिंग्स स्क्रिम्ड सिम्ड शेर शिप स्मॉल समवन स्टिल स्टोन स्टूड स्ट्रीट्स सक्सेसफुल। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है, आप उसका आंसर देख लियो अच्छी तरीके से अरेंज का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए, फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो स्टोरी जो आपने पढ़ी डिक विटिंगटन एंड हिज कैट चैप्टर की, तो उस चैप्टर में से, स्टोरी में से, वो जो स्टोरी थी उसमें से आपको एक वर्ड देना है ये फॉलोइंग थिंग्स के लिए, ओके। अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ। तो जो स्लोपिंग रूफ था पतरा जैसा, उसके नीचे एक स्मॉल रूम था, उसका नाम क्या था, एटिक, ओके, उसे एटिक कहा जाता था। अ वेरी नैरो प्ले पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, इसका आंसर है एले। द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन म्यूनसिपालिटी ऑफ अ सिटी टाउन, उसे क्या कहते हैं, मेयर। द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड्स अ शिप, इसका है आंसर कैप्टन, ये सब याद करना है आपको। एनी एनिमल दैट कैचेस माइस, इसका आंसर है माउस। तो देख लो, ये मैं मिटा देता हूँ, इसका आंसर ये वाला है, ओके, ये देख लिया आपने। और अभी मैं वापस आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ फ्रेंड्स आप, ये देखो, अ लो कॉन्स्टेंट साउंड मेड बाय कैट्स पुर, ये सारे आंसर्स थे आपने देख लिए फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। बी हमारा 2 का बी है, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको यूज कर आपको सेंटेंसेस बनाने अपने खुद से। ओवरकम, वी मस्ट लर्न टू ओवरकम एनी डिफिकल्टीज वी कम अक्रॉस, ओवरकम का सेंटेंस देख लिया। पुट अप विथ, वी हैड टू पुट अप विथ द नॉइजी बिहेवियर ऑफ आर नेबर्स सन्स। बार्गेन, पीपल इन इंडिया लव टू बार्गेन विथ हॉकर्स, तो ये देख लिया आपने। अभी थर्ड है फ्रेंड्स हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग इन इवेंट्स एज दे अकर इन द स्टोरी, पुट द नंबर इन द बॉक्सेस। तो आपको रीअरेंज करना है कि कौन सा जो इवेंट है, कौन सी जो घटना है पहले हुई और कौन सी जो घटना है वो बाद में हुई। तो ये इसके आंसर्स आप देख सकते हो। मिस्टर फिट्स वॉरन प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक, ये कब हुआ, फोर्थ घटना है। अ कैटर कार्टर गेव डिक टू लिफ्ट टू लंडन, ये सेकेंड है। अ कैट सेल टू द अमेरिकन कोस्ट, ये सिक्स्थ है। द कैप्टन सोल्ड द कैट फॉर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी, ये 8 है। डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फूट टू गो टू लंडन, ये 1 है। डिक बिकेम रिच एंड लेटर द मेयर ऑफ लंडन, ये 9th है। डिक वॉज होमलेस हेल्पलेस
कोल्ड एंड हंग्री, ये थर्ड है. डिक बॉट अ कैट टू गेट रीड ऑफ द माइज, तो ये है फिफ्थ. तो द रैट्स एंड माइज एट अप ऑल द डिनर लेट फॉर द किंग एंड क्वीन, ये सेवन है, राइट. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, तो ये घटना हमने की है. उनके बॉक्सेस में नंबर दिए हैं कि कौन सा फर्स्ट हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ. तो फर्स्ट ये है, सेकेंड मैं आपको टिक मार्क करके बताता हूँ. तो फर्स्ट ये वाला है, सेकेंड ये वाला है, थर्ड ये वाला है, थर्ड कौन सा है, ये वाला, थर्ड ये वाला है. अभी फोर्थ किधर है, फोर्थ फर्स्ट वाला है. और फिफ्थ किधर गया, फिफ्थ इधर है. सिक्स्थ, सिक्स्थ है हमारा ये डी वाला, सॉरी वो तो एट वाला है. तो इसे रब कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं. तो सी वाला जो है हमारा सिक्स्थ है. और सेवन्थ वाला कौन सा है, ये वाला. और एट वाला कौन सा है हमारा, एट वाला ये है. और नाइन वाला ये है. ओके, इन सारे के नंबर्स दिए गए हैं अकॉर्डिंगली. तो आप इन्हें अरेंज कर लीजिए, आप अपने इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. मैंने अरेंज कर दिया है, क्वेश्चन आंसर्स दे दिया. अभी क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आपको आंसर लिखने हैं. तो फर्स्ट है, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्च्यून. तो ऐसा कौन सा डिसीजन था जो डिक ने लिया, उसकी पूरा फॉर्च्यून चेंज कर दिया उसने. तो इसका आंसर लिखना है आपको. ऑन हियरिंग द चर्च बेल्स सेंड आउट अ मैसेज टू हिम, डिक डिसाइडेड टू रिट्रेस हिज स्टेप्स एंड गो बैक टू मिस्टर फ्रिट्स वॉरेंस हाउस इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे. दिस डिसीजन चेंज्ड डिक्स फॉर्च्यून. ओके, अभी सेकेंड है, वॉट मैसेज डज दिस स्टोरी बिगिन्स आउट फॉर यंगस्टर्स. इसका आंसर है, द मैसेज दैट दिस स्टोरीज स्टोरी ब्रिंग्स आउट फॉर यंगस्टर्स इज दैट वी मस्ट नॉट रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज बट फेस देम ब्रेवली. तो हम बच्चे यही सीखते हैं स्टोरी से कि हमें जो भी मुसीबत है उसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट के मुकाबला करना चाहिए. सी थर्ड हमारा, डिसाइड द हार्डशिप्स, सॉरी डिस्क्राइब द हार्डशिप्स दैट डिक फेस्ड ऑन अराइविंग इन लंडन. तो डिस्क्राइब द हार्डशिप्स दैट डिक फेस्ड ऑन अराइविंग इन लंडन. इसका आंसर है, डिक अराइव्ड इन लंडन जस्ट बिफोर नाइटफॉल. ही हैड नो प्लेस टू स्लीप एंड ही फाइनली स्लेप्ट इन द कॉर्नर ऑफ एन नैरो लेन. द फॉलोइंग मॉर्निंग डिक वोक अप फीलिंग कोल्ड मिजरेबल एंड हंग्री. ही बेग्ड फॉर फूड बट पीपल शाउटेड एट हिम एंड हिट हिम एंग्रीली ऑन हिज हेड. He finally collapsed and lay there too weak to look further for food. Okay. Fourth question is, what do Mr. Fitzwarren's actions tell us about him? Answer, Mr. Fitzwarren's actions tells us that he was a kind-hearted and just man. He did not abuse, dig or hit him as the others had done. He offered Dick a home and a living in return for helping the cook with all the pots and pans in the kitchen. तो ये था friends fourth का answer. अभी fifth का, explain in your own words what inspired Dick to return to with Mr. Fitzwarren's house. Answer, when Dick sat down on a stone to rest, he heard the church bells ringing. As he listened, it seemed that they were singing a message for him, telling him that he should go back home and calling him the mayor of London. तो friends, अभी ये था fifth का answer जो कि आपने देखा. अभी fifth देख लेते हैं. Read and find the answers for the following in the lesson. तो इसके तो जो कुछ important questions और answers थे, मैंने उसके answers दे दिए आपको, जो कि टीचर आपको पूछ ही सकती है पैसेज से, राइट. और कुछ आंसर जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से प्रैक्टिस करो वो, क्योंकि वो भी आपको पूछा जा सकता है. और आप ये ज़रूर क्या करना, अपने टेक्स्ट बुक लेकर बैठना और पैसेज में से ढूंढने की कोशिश करना. ओके,
अपनी स्टोरी में से, और जो भी आंसर मिलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर देना। तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इधर कुछ जो कि आपको खुद से ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर फिट्ज़वॉरेन फेवर्स डिक। सेकंड है, व्हाट डिफिकल्ट्स डिड डिक हैव टू फेस एट मिस्टर फिट्ज़वॉरेन हाउस। हाउ डिड द कैट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। फोर्थ है, हाउ वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप सो ओवरजॉयड। फिफ्थ है, हाउ वॉज द क्वीन अफ्रेड ऑफ द कैट। सिक्स है, हाउ मच डिड द किंग पे फॉर द कैट। सेवेंथ है, वॉट चेंजेस हैड द कैट ब्रॉट टू डिक्स लाइफ। सिक्स है, हु सेड टू हुम। ओके फ्रेंड्स, अभी हु सेड टू हुम भी आपको खुद से लिखना है कि किसने किससे कहा। बहुत ही ईजी है, एक बार आप पैसेज पढ़ लोगे तो आपको जरूर आएगा। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फाइंड आउट करना ही है आंसर ये वाले। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, अगर थोड़ी सी भी कहीं भी मिस्टेक होगी तो मैं उनकी वो मिस्टेक आपको रिप्लाई करूँगा। करेक्ट आंसर आपका पूरा मैं लिखने वाला हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं कि आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैंने इतने सारे के दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे, और कुछ जो है आपको पैसेज में से। देखो टीचर, आपको इतना ही नहीं और दूसरे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकती है, तो आपको भी प्रैक्टिस रहना चाहिए कि पैसेज में से कैसे आंसर ढूंढते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए, अगर आपने थोड़ा सा भी स्टोरी समझा है ना तो आपको ये डेफिनेटली आएगा। तो वो कीजिए और कमेंट में लिखिए, अगर गलत होगा तो हम इंप्रूव करेंगे। ओके, हु सेड टू होम, किसने किससे कहा था। फर्स्ट है, देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, ये किसने कहा वो आपको लिखना है। और सेकेंड है, वॉट डू यू कॉल दिस एनिमल, ये किसने कहा वो भी लिखना है, किसने किससे कहा वो लिखना है। डिग्स लव हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, तो ये भी किससे कहा है वो आपको लिखना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर के मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडू केयर।